सुप्रभात छात्रों, कल हमने पाठ दो तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पाठ परिचय एवं कवि परिचय आपको समझाया था। आज हम तुलसीदास कृत चौपाइया जो है उसका भावार्थ समझेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद यह पाठ जो है रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। आप जानते हैं सीता स्वयंवर के बाद, क्योंकि भगवान श्री राम ने शिव धनुष जो है भंग कर दिया था, उसको देख करके परशुराम बड़े क्रोधित हो जाते हैं और वह सभा के अंदर आते हैं और सबके सामने धमकी देते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा, क्योंकि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है उसने मेरे गुरु का अपमान किया है, इसलिए वह सभा से अलग हो जाए। वो आकर के उस सभा के अंदर सब राजाओं को बोलते हैं। तब क्या होता है, भगवान श्री राम बोलते हैं, नात संबुधनु भंज निहारा हो यही केव एक दास तुम्हारा, नाथ संबुधनु भंज निहारा हो यही केव एक दास तुम्हारा। भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ हे स्वामी, हे परशुराम जी, संबुधनु शिव धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला होई केव एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक सेवक होगा। हे परशुराम जी, मुनि श्रेष्ठ, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह आपका दास है, कोई एक होई केव एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका ही सेवक है। आयेसु कहा कही है किन मोही, आयेसु आज्ञा किन कहिए, आज्ञा कहिए किन मोही, आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है वो कहिए, क्योंकि जो करने वाला है वो आपका कोई दास ही है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह वचन राम के वचन सुनकर के परशुराम जी बड़े गुस्से में आ जाते हैं। सुनी रिसाई यानी क्रोध पूर्वक सुन करके मुनि को ही, मुनि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, को ही यानी क्रोधी मुनि परशुराम जी क्रोधित रहते हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा कार्य करता है। सेवकु सेवक सो जो यानी वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा कार्य करता है वह सेवक कहलाता है। अरनी करी करी लड़ाई, अरनी अरी यानी शत्रु, अरी करनी शत्रुता की तरह, जिसने काम किया है, जिसने शत्रुवत कार्य करके मुझसे लड़ाई करने का काम किया है, उसे आप बोल रहे हैं कि वह सेवक है। वह सेवक नहीं होता है, सेवक तो वह होता है जो सेवा कार्य करता है। उसने तो शत्रुता का कर्म करके मेरे सामने उपस्थित हुआ है, उसे हम सेवक कैसे कह सकते हैं। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनिए, परशुराम जी कहते हैं, सुनहु राम सुनिए राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु राजा के सम यानी समान, सो यानी वह, रिपु मोरा वह सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो यानी उसको बिलगाऊ अलग कर दो, बिहाई यानी छोड़कर, समाज यानी समाज, इस राजा के समाज में वह व्यक्ति कौन है जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसे अलग कर दो। सुनहू क्या कहा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो यानी इसलिए, बिलगाऊ यानी अलग कर दो, बिहाई समाजा, राजा के समाज में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसे तुम अलग कर दो। न तो मारे जे ही सब राजा, न तो नहीं तो, मारे यानी मारे, जे ही यानी जाएंगे, न तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथ से मारे जाएंगे। इसलिए हे राम, इस सभा के अंदर जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह इस राजा के समाज में बैठे हुआ जो व्यक्ति है वह अलग हो जाए। वह राजा कौन है जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो मेरे हाथ से सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने,
भगवान श्री राम के साथ में लक्ष्मण थे। सुनी मुनि वचन, मुनि के ऐसे वचन सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जो हैं मुस्काने हंसने लगे। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कराए, ठीक है, हंसने लगे और बोले परसु धरही अवमाने, मुस्कुराते हुए बोले परसु धरही, फरसे को धारण करने वाले कौन है? परशुराम। बोले परसु धरही अवमाने, फरसे को धारण करने वाले परशुराम के अवमानने अर्थात उनके अपमान करते हुए बोले, पहले हंस रहे थे फिर उनका अपमान करते हुए बोले, क्या बोले? बहु धनुही तोरी लरिकाई, बहु यानी बहुत सारी, धनुही धनुषिया यानी छोटे छोटे धनुष, तोरी यानी तोड़ दी, लरिकाई बचपन में। लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले? कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे स्वामी, बाल्यावस्था में हमने अनेक धनुष तोड़ डाले, ठीक है, कबहू न सिरिस कि नहीं गोसाई, गोसाई यानी स्वामी, कबू यानी कभी भी, न नहीं, असीरिस इस तरह से क्रोध कि नहीं गोसाई, हे स्वामी इस तरह से कभी किसी ने क्रोध नहीं किया हम पर, ऐसा क्यों आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने तो बचपन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे धनुष तोड़ के फेंक दिए, हमारे गुरु ने कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा हमें, आप आखिर ऐसा इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों, आखिर इस धनुष में ऐसा क्या है? बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़ दिए, कबहू ने असिर से कि नहीं गोसाई, हे स्वामी कभी इस तरह से हमारे गुरु ने कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता केहु हेतु, हे गुरुदेव इस धनुष पर ममता ममत्व केहु हेतु, आपका इस धनुष के प्रति इतनी ममता किस कारण से है, यानी इतना लगाव क्यों है इस धनुष में, ऐसा क्या है? हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, कभी हमारे गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा हमें, न लड़ाई की न डांटा हमें, कुछ भी नहीं, और आप इस धनुष के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, उसे सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के समान, भृगुकुल भृगुवंश, भृगुवंश केतु यानी ध्वजा, भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम क्रोध होके बोले, जैसे आपने देखा होगा मंदिर पे ध्वजा होती है, हवा चलती है तो क्या फड़फड़ाती है ना तेजी से, उसी तरह से परशुराम जी ने को जब उस बालक ने ऐसा बोला तो उनको बड़ा गुस्सा आया और इतना क्रोध से वो कांपने लगे, इतना उनको क्रोध आने लगा। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, उसकी बात सुन करके उनको बड़ा क्रोध आया और वो बोले, रिसाई यानी क्रोध सहित कौन बोले? परशुराम जी। रे नृप बालक, हे नृप का बच्चा अर्थात राजा का बालक राजकुमार, हे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार, तो काल के वशीभूत हो गया है, अर्थात तेरे ऊपर काल घूम रहा है, यमराज के दूत घूम रहे हैं, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि यमराज ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, कालवश होने के कारण बोलने में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कह रहा है। रे नृप बालक, काल बस बोलत, काल के वशीभूत होकर के बोल रहा है तो ही न संभाल, तू अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, त्रिपुरारी धनुष यह शिव धनुष है, हे बच्चे तुम क्या कह रहे हो, यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, क्योंकि रे बालक हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही ने संभार, तुम काल के वशीभूत होकर के बोल रहे हो, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, यह तो शिव धनुष है, त्रिपुरारी धनुष, त्रिपुरारी अर्थात शिव धनुष है यह, विदित सकल संसार संपूर्ण संसार इस बात को जानता है, यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, संपूर्ण संसार इसे जानता है, ठीक है। हे राजपुत्र, कालवश होने के कारण बोलने में तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू क्या कह रहा है, यह संसार भर को ज्ञात है कि यह शिव धनुष है, क्या सामान्य छोटे धनुष के समान है? सामान्य छोटे धनुष के समान नहीं है, यह तो शिव धनुष है, इसलिए तुम बोल रहे हो ये, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है इसका।
आगे चौपाई है, लखन कहा हसी हमरे जाना। लक्ष्मण कहते हैं हसी हमरे जाना। लक्ष्मण जो है यहाँ पर हंस करके परशुराम से बोले, क्या बोले, लखन कहा हसी हमरे जाना। लक्ष्मण जो कहते हैं हंसे यानी हंसते हुए, हमरे जाना, हम तो जानते हैं, सुनहु सब देव सब धनुष समाना। हे देव, हे स्वामी, हम तो ये जानते हैं कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं। ये त्रिपुरारी धनुष है, ये शिव धनुष है, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम तो ये जानते हैं, हंसते हुए लक्ष्मण कहते हैं, व्यंग्य करते हुए, अपमान करते हुए उनका, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हम तो ये जानते हैं कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का यानी क्या, क्षति यानी हानि, लाभु यानी लाभ, जनु यानी पुराना, धनु तोरे, धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ने से, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि। का यानी क्या, अगर पुराना धनुष टूट गया तो उससे क्या लाभ हो गया और क्या हानि होगी, टूट गया तो टूट गया। देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो इसे नयन के धोखे में देखा, नयन के भोरे, नयन के धोखे में देखा। हम जानते हैं कोई चीज़, हम नई वस्तु देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है उसको हम बहुत गौर से देखें, तो भगवान श्री राम ने भी इस शिव धनुष को नया समझ करके देखा और देखने गए, उसमें टूट गया, उसमें राम का क्या दोष है। का क्षति, अगर ये टूट भी गया तो उससे क्या लाभ हो गया और क्या हानि होगी। श्री राम ने इसे नए धनुष होने के धोखे में देखा था, लेकिन यह तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु। भगवान श्री राम के छूते ही ये तो टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु। छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। रघुपत ही भगवान श्री राम का न दोषु, उनका कोई दोष नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी, बिनु काज, बिना काम के करिए कतरोसु, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। रोसु क्रोध, बिना कारण ही आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा। बोले यानी बोले, चिते यानी देखकर, परशुराम जी जो हैं अपने फरसे को देख करके बोले, परसु की ओरा, अपने फरसों की तरफ देख करके परशुराम जी बोले, क्या बोले, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। रे, हे, सट यानी दुर्त, हे दुर्त बालक, हे मूर्ख बालक, सुने हूँ न सुभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है क्या। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं परशुराम हूँ, मैंने इस धरती को 21 बार सत्र विहीन कर दिया, क्या तुम्हें पता नहीं मेरे स्वभाव के बारे में, मैं बहुत क्रोधी हूँ। रे सट सुने हूँ सुभाव न मोरा। रे सट, हे दुर्त बालक, हे मूर्ख बालक, क्या तुमने मेरे स्वभाव को अभी तक नहीं सुना है किसी से। केवल बालक को बोधी बधो नहीं तो ही। बालक, बालको ने बालक बोली, बधो नहीं तो ही, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तो ही यानी तेरा, वध यानी मृत्यु, मैं तुम्हें अब क्यों नहीं मार रहा हूँ, बच्चा समझ के। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। हे बालक, मैं तुम्हें बच्चा समझ के तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। रे जड़, हे मूर्ख बच्चे, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही समझ रहा है, मुझे एक सामान्य मुनि समझ रहा है। केवल मुनि, सामान्य मुनि, जड़ यानी मूर्ख, हे मूर्ख बालक, क्या तू मुझे एक सामान्य मुनि ही समझ रहा है। मैं एक सामान्य मुनि ही नहीं हूँ, मैं तो एक अच्छा योद्धा हूँ, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति को हुई। बाल ब्रह्मचारी, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति, अति यानी बहुत, को ही यानी क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूँ, तथा सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। घोर क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय वंश का द्रोही, बहुत ही घोर शत्रु हूँ मैं, तो मैं जानता नहीं, पूरा संसार जानता मुझे इस बात को। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, संपूर्ण विश्व ने, संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, घोर शत्रु हूँ। भूमि भुजबल बीपु बिनुकीनी। भुजबल, भुजाओं के बल पर, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि यानी धरती को, भूप यानी राजा,
बिन यानी बिना, कीनी यानी कर दी। मैंने इस धरती को कई बार राजाओं से विहीन कर दी। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेक बार सत्री राजाओं से रहित किया है मैंने, और अनेक बार उनके राज्यों की भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूं। क्या कहा? भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने संपूर्ण धरती को राजाओं के बिना कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार ने अनेक बार मही देवन ने ब्राह्मणों को दीन यानी दान कर दी। मैंने बहुत सारी जमीन जो है राजाओं को मार करके उनकी जितनी भी जमीन है वो सब मैं ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। ठीक है, उनकी जितनी भूमि थी सब ब्राह्मणों को मैं दान कर चुका हूँ। ठीक है, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, और मैंने सहस्त्र बाहु जैसे राजा को भी उसकी दोनों उनकी जितनी भुजा है उसको काट दिया। सहस्त्र बाहु भुज, सहस्त्र बाहु राजा की भुज, भुज यानी भुजाएं, छेद निहारा काटने वाला। ये फरसा कौन है? फरसा दिखा रहे थे ना, ये फरसा देखिए, इससे मैंने सहस्त्र बाहु राजा की सारी भुजाएं काट दी। परसु बिलोक महिप कुमारा, हे बालक महिप कुमार, हे राजकुमार तुम इस फरसे को देखो। परसु बिलोक, बिलोक ने देखो, महिप कुमार, महिप कुमार राजा का बेटा राजकुमार, हे राजकुमार इस फरसे को देखो तुम, क्योंकि मैंने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजा को काट दिया था। यह फरसा जो है सहस्त्र बाहु राजा की भुजाओं को काटने वाला है, इसे देखो और डरो, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्षत्रिय राजा भी इससे डरते हैं। मातु पिता ही जनी सोच बस, मातु पितु, माता और पिता को जनी यानी करो मत शोक बस, यानी शोक बस उनको शोक मग्न मत करो। माता पिता जो हैं विषादग्रस्त हो जाएंगे, तुम मर जाओगे मेरे हाथ से तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, उन्हें दुख ही मत करो। मातु पिता ही जनी सोच बस, माता पिता के बारे में सोचो। करसी महिष किशोर, हे राजकुमार तुम चिंता, माता पिता की चिंता करो, तुम्हें खुद की चिंता नहीं है लेकिन अपने माता पिता के बारे में तो सोचो। ठीक है, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति गोरा, यह जो फरसा है वह सत्राणियों के गर्भ में, गर्भन सत्राणियों के गर्भों में पलने वाले अर्भक यानी शिशु को मर्दन करने वाला, मर्दन यानी मारने वाला, मर्दन करने वाला मेरा यह फरसा अत्यधिक भयंकर है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में स्थित भ्रूण भी दलन यानी नष्ट हो जाता है। परसु मोर अति गोरा, यह फरसा अत्यंत ही भयंकर है, इसको देख के सत्राणियों के गर्भ में बच्चा मर जाता है। इसलिए हे बच्चे तुम मुझसे डरो, बार बार परशुराम जी जो हैं बता रहे हैं उसको अपने क्रोध के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में और फरसे के बारे में बता रहे हैं कि हे बालक तुम मुझसे डरो, अपने माता पिता को दुखी मत करो। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जो हैं हंस करके बोले, बिहसी हंसकर, लखनु बोले मृदुवानी, लक्ष्मण जो हैं हंसकर बोले यानी बोलते हैं, मृदु, मृदु यानी कोमल स्वर में बोले, मृदुवानी कोमल स्वर में बोले, अहो मुनिसु महापटमानी, ओहो मुनियों में श्रेष्ठ महापटमानी, महान योद्धा मानी यानी मानना पड़ेगा आपको, तो मुझे महान योद्धा मानना पड़ेगा क्योंकि आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि बच्चे डर जा, मैं एक अच्छा योद्धा हूँ, मैं बहुत क्रोधित हूँ, मेरा स्वभाव क्रोधी स्वभाव है और मैंने इतनी बार धरती को शत्रु विहीन कर दिया, इसलिए तुम मुझसे डरो, बार बार दिखा रहे हो मुझे। लक्ष्मण हंसते हुए कोमल स्वर में बोले, ओहो बड़े आश्चर्य को कहते हैं, मुनिषु मुनियों में श्रेष्ठ महाभट मानी, तो मैं तो मुझे महान योद्धा मानना पड़ेगा। पुनि पुनि मोही देखा वह कुटारू, बार बार मुझे दिखा रहे हो कुटारू यानी फरसा, आप तो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक से पहारू, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, मैं तो आपके समक्ष पहाड़ के समान हूँ, आपको इतना आसान लग रहा है कि जैसे मैं फूंक से पहाड़ को उड़ा दूँ, फूंक से कभी पहाड़ नहीं उड़ सकता है, आप कभी लक्ष्मण को नहीं मार सकते हैं, आप जितना आसान समझ रहे हैं वैसा नहीं है। चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक से पहाड़ू यानी पहाड़। यहाँ कोमर बतिया कहू नाई, यहाँ यहाँ कोमर बतिया छुईमुई का पौधा कहू नाही, कोई नहीं है।
यह कोई छुईमुई का पौधा नहीं है। छुईमुई का पौधा ऐसा होता है जिसके पास इंसान जाता है, कोई उंगली दिखाए उसको तो वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, अपने आप को सिकोड़ करके वह धीरे धीरे कहता है कि वह मर जाता है, इतना डर जाता है वो। तो मैं कोई छुईमुई का पौधा नहीं हूँ, जो परशुराम जी आप जो मुझे बता रहे हैं उसको मैं सुन करके घबरा जाऊँ और मर जाऊँ। जे तर्जनी देखी मर जाई, तर्जनी अंगुली दिखा करके मैं मर जाऊँ ऐसा नहीं। इसलिए आप मुझे इतना सरल मत समझिए मारना। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपके पास में कुठार यानी फरसा, सरासन बाना धनुष और बाण, मैंने आपके पास में फरसा और धनुष बाण देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ भी बोला वो बड़े अभिमान पूर्वक कहा। मैंने यूँ समझा आपके पास फरसा है, आपके पास धनुष बाण है, इसका मतलब आप क्षत्रिय होंगे। मैंने आपको क्षत्रिय समझ करके बड़े अभिमान पूर्वक बहुत कुछ कह दिया। भृगुसुत समुझी जने उ बिलो की, मैंने तभी देखा भृगुसित, भृगुसुत यानी ब्राह्मण, आप तो भृगु के बेटे हैं, आप तो ब्राह्मण के बेटे हैं समुझी, समझा मैं जनेऊ बिलो की, आपके पास जो यज्ञोपवीत है जो जनेऊ है उसको देख के मैं समझ गया कि आप तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण हमारे लिए आदरणीय होता है, उस पर हम अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकते हैं। क्या कहा, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो को, आपको ब्राह्मण समझ करके मैंने जो कछु कहूर सहूर इस रोकी, आपने जो कुछ भी कहा उसे मैंने सहा सहन किया, रिस रोकी क्रोध को रख करके मैंने चुपचाप सहन किया, आपने जो भी कुछ कहा मुझे मैंने सहन कर लिया। क्यों सहन किया, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जो है वंदनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, वर्णों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, वो तो पंडित होते हैं, उनके समक्ष तो हम हमेशा नतमस्तक होते हैं, हम उन्हें अपना आदरणीय मानते हैं, इसलिए उनसे हम लड़ नहीं सकते। ठीक है, दूसरी और आगे क्या कहा उन्होंने, अपने वंश के बारे में बताया, हमारे वंश का क्या नियम है, सूर्य वंश का, सूर्य महिसूर अरिजन अरुगाई, सूर्य यानी देवता, महिसूर यानी महिसूर, सूर्य यानी देवता, महिसूर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्तजन, अरु यानी और, गाई यानी गाय, इन चार पर हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल का नियम है इन चार पर हम कभी भी सूरवीरता नहीं दिखाते हैं, शौर्यता नहीं दिखाते हैं, इन पर हम कभी हमला नहीं करते हैं, उनसे लगड़ा नहीं करते हैं। बंदे पाप उपकृति हारे, बंधु यानी बंदे यानी हम आपको अगर मार भी डालेंगे, आपका वध कर देंगे तो हमें पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और अगर आपसे हम हार जाएंगे तो समाज में अपहास फैलेगा, क्या फैलेगा, लोग क्या कहेंगे, देखिए एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा है और राजकुमार है और एक ब्राह्मण से हार गया तो हमारा अपहास फैलेगा। मार तू पाप परिय तुम्हारे, आप अगर मुझे मारेंगे तो भी पा यानी पाँव में, परी यानी गिरूंगा तुम्हारे, आप अगर हमें मारते भी हैं तो भी हम आपके पाँव में गिरेंगे, हम आप पर अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकते। बंदे पाप उपकृति हारे, मार तो पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र के समान वचन है तुम्हारे, तुम्हारे जो वचन है वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरऊ धनु कान बाण कुठारा, व्यर्थ यानी बेकार में आपने धनुष और बाण धारण कर रखे हैं, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है, क्योंकि ब्राह्मण तो है उसके पास तो ब्रह्म शक्ति होती है, वह अपने मंत्र शक्ति से जो भी कहता है वैसा हो जाता है, इसलिए आपको तो इसको धारण करने की जरूरत नहीं है, आपको कहाँ लड़ने की जरूरत है, आप तो एक जल की बूंद लेकर के मंत्र लेकर के कुछ बोल देंगे तुरंत तो तुरंत ही सब खत्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे, आपकी मंत्र शक्ति आपके पास तो वो ताकत है, इसलिए आपको ये धारण करने की जरूरत नहीं है। जो बुलो की अनुचित कहू छमहु महामुनि धीर, हे मुनिश्रेष्ठ, महामुनि मुनिश्रेष्ठ, जो बिलो की मैंने आपको देख करके अनुचित कहूँ, मैंने कुछ अनुचित कह दिया आपको, क्षमहु सम्यता मुझे माफ कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मनी, ऐसी लक्ष्मण की बात सुन करके बहुत क्रोधित हो जाते हैं भृगुवंश, भृगुवंश की मणि के समान बोले गिरा गंभीर, परशुराम जी बोलते हैं। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, धन्यवाद।